जाकिर का मानना है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और चोरी के मामलों में हाथ तक काट देने चाहिए। डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत को उसने सिरे से खारिज कर दिया। The Quran does not agree with the theory of Charles Darwin because 1996 में उन्होंने एक भाषण में कहा कि हर मुसलमान को आतंकवादी हो जाना चाहिए अगर वह आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है। 9/11 हमले को अमेरिकी सरकार की अंदरूनी साजिश बताया कि उसे भारत वापस लाने के लिए सरकार ने उनसे जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने के समर्थन में बोलने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। 18 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया। इसके बाद 13 मई 2020 को भारत सरकार ने मलेशिया से नाइक को वापस भेजने की औपचारिक मांग की, जिसे मलेशिया ने खारिज कर दी। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा सरकार उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। नाइक ने स्वीकार किया कि 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों में शामिल रहील शेख उनके संगठन में स्वयंसेवक रूप में काम करता था। रहमतुल्ला किरानावी ने इस्लाम पर मिशनरियों के हमले का जवाब देते हुए जो किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था इजहार उल हक। उसने अहमद दिदात जैसे लोगों को प्रेरित किया। दिदात ने बाद में पोप सल्फिज्म यानी सल्फी इस्लाम को नया अंदाज दिया। इसी दिदात नाम के आदमी से जाकिर नाइक प्रभावित हुआ और उसके रास्ते पर चलते हुए जाकिर नाइक ने अपनी पहचान बनाई और अपने साम्राज्य की शुरुआत की। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। 1854 में ईस्टर के मौके पर आगरा के मिशनरी स्कूल में एक बड़ी बहस रखी गई थी। इसमें मौलाना रहमतुल्ला किरानावी और ईसाई मिशनरियों के बीच मजहब और बाइबल पर जबरदस्त बहस हुई। मौलाना ने ईसाइयत के प्रमुख सिद्धांतों का खंडन किया और इस्लाम का बचाव किया। इस बहस में किरानावी ने बाइबल की आलोचना के लिए यूरोपियन स्कॉलर्स का सहारा लिया और अपने विरोधियों को बौद्धिक तौर पर मात दी, लेकिन अंग्रेजों के साथ तलवार की जंग में इस्लामी विद्वान हार गए और मौलाना को मक्का भागना पड़ा। इसके बाद उनकी किताब इजहार उल हक ने इस्लाम पर होने वाली आलोचनाओं का जवाब दिया, जिसने बाद में अहमद दिदात को भी प्रभावित किया। अहमद दिदात का ताल्लुक दक्षिण अफ्रीका से था। वो सूरत के गरीब परिवार से थे और कम उम्र में ही दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। दिदात ने ईसाई मिशनरियों के हमलों का जवाब देना शुरू किया और जल्दी ही वो एक मशहूर इस्लामी वक्ता बन गए। उन्होंने सऊदी अरब से समर्थन हासिल हुआ और उनकी किताबें और लेक्चर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। दिदात ने कई ईसाई प्रचारकों से सार्वजनिक बहस की जो टेलीविजन पर प्रसारित की जाती थी। उनका दावा था कि इस्लाम ही एकमात्र सच्चा धर्म है और बाकी धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं। अब जाकिर नाइक पर आते हैं। जाकिर नाइक का ताल्लुक मुंबई से है। वो पेशे से डॉक्टर था, लेकिन 1991 में उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर इस्लामी प्रचार में कदम रखा, यानी मजहब के प्रचार प्रसार का रास्ता चुना। उसने इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जो दीन की दावत और इस्लाम के प्रचार के लिए समर्पित था। नाइक दिदात से काफी प्रभावित था, इसलिए नाइक ने अपने गुरु अहमद दिदात के नक्शे कदम पर चलते हुए बहसों और तकरीरों का सहारा लिया। उनका अंदाज भी वेस्टर्न तरीके से सूट बूट पहनकर अंग्रेजी बोलकर और विज्ञान का सहारा लेकर अपने विचार रखने का था। उसने दावा किया कि इस्लाम के पास हर सवाल का जवाब है। नाइक का संदेश एक नए दौर के लिए था, जिसमें पढ़े लिखे मुस्लिम युवा शामिल थे। उसके लेक्चर में विज्ञान का जिक्र भी होता था, हालांकि वो ज्यादातर वैज्ञानिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता था। उनकी तकरीरों का एक बड़ा हिस्सा गैर मुसलमानों की आलोचना पर आधारित था, खास तौर पर हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के खिलाफ। जाकिर नाइक का संदेश मौलाना रहमतुल्ला किरानावी और अहमद दिदात की बौद्धिक धारा से जुड़ा है। हालांकि ये संदेश धार्मिक पहचान की राजनीति और कट्टरता पर आधारित है, जो समाज को विभाजित करता है। नाइक की तकरीरों ने बहुत सारे विवाद खड़े किए हैं और उन्हें दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन उनके अनुयायियों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उसके साथ खड़ा है। 1990 के दशक में जब जाकिर ने इस्लामी मजहबी उपदेश देना शुरू किया, तो उनकी बोलने की कला से लोग प्रभावित होने लगे। वह इस्लाम और अन्य धर्मों पर तुलनात्मक व्याख्यान देता था और अपने तर्कों से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित भी किया करता था। उसने अपने भाषणों से इस्लामी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, वो निशाने पर आता गया। नाइक का सपना था इस्लाम की सच्चाई और सुंदरता को दुनिया के सामने लाना, खासकर उन मुस्लिम युवाओं को प्रेरित करना जो अपने धर्म के प्रति हीनता की भावना से भरे थे। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद नाइक ने यह विचार रखा कि पश्चिमी मीडिया इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। उसने ये दावा किया कि 2001 और 2002 के बीच 34,000 अमेरिकियों ने इस्लाम धर्म को अपनाया और उसने इसकी वजह बताई कि कुरान के अंदर वैज्ञानिक तथ्य हैं, यानी वो लोग कुरान की वैज्ञानिकता से प्रभावित होकर
मुसलमान बने। नायक के विचारों से इस्लाम की सुप्रीमेसी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसने हमेशा ये कहा है कि इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है क्योंकि कुरान यही कहता है। उसके मुताबिक इस्लाम भ्रष्टाचार, अन्याय, व्यभिचार और शराबखोरी जैसी सभी बुराइयों के खिलाफ कठोर है, लेकिन इंसानी मूल्यों को बढ़ावा देने में सबसे सहनशील है। उसने संगीत और नृत्य को भी इस्लाम में हराम बताया है, शराब के नशे के समान बताया है। हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते, इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है। जाकिर का मानना है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और चोरी के मामलों में हाथ तक काट देने चाहिए। इस्लामिक शरिया से कुरान सूरह मायदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 38 दैट as to the thief beat a man or a woman, chop off his or her hand as a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. People may say it's a ruthless law, it's a merciless law. नायक ने यहां तक कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा कानून लागू करे तो उनके देश का अपराध दर काफी कम हो जाएगा। The state should look after the people, and after that if anyone rob, chop off his or her hand as a punishment. I'm asking the question, will the rate of robbery, will it increase? Will it remain the same or will it decrease in America? What will happen? उसने समलैंगिकता को मानसिक बीमारी बताया है, जिसका कारण उसने अश्लील सामग्री और टेलीविजन को माना। You start intermingling with the opposite sex very freely. You have many girlfriends, have many mistresses, sleep with 20, 30, 40, 50 girls. Then you get tired, then you want something different. That's how it is a psychological disorder. जीवन के अन्य पहलुओं में भी नायक ने अपने विचार रखे। डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत को उसने सिरे से खारिज कर दिया। The Quran does not agree with the theory of Charles Darwin because Charles Darwin is a theory. Quran is a book of fact, not a book of theory. इसे सिर्फ एक अनुमान कहा है और दावा किया है कि वैज्ञानिक इसे इसलिए मानते हैं क्योंकि यह बाइबल के खिलाफ जाता है। उसके अनुसार कुरान का वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कोई विरोधाभास नहीं है और जो कुछ भी सिद्ध हुआ है वह कुरान से मेल खाता है। मीडिया के बारे में नायक का मानना था कि यह एक खतरनाक हथियार है जो सच को झूठ और खलनायक को नायक बना देता है। उसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कट्टरपंथी और आतंकवादी जैसे शब्दों का दुरुपयोग करती है। उसके अनुसार मीडिया ने इस्लाम को एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और इसे मानवता की समस्या बना दिया है, जबकि इस्लाम मानवता की सभी समस्याओं का समाधान है। इस्लाम के प्रचार और अन्य धर्मों के बारे में नायक ने हमेशा ये माना है कि इस्लाम ही सत्य है और उसने इस्लामी देशों में अन्य धर्मों के प्रचार को गलत बताया है। उसने ईसाई मिशनरियों की आलोचना की है, खासकर जो मुस्लिम दुनिया में बाइबल के वाक्यों को अरबी सुलेख में लिखकर मुसलमानों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। नायक का नाम आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में कई बार आया है और कई लोग उसे प्रेरणा स्रोत मानते थे। 1996 में उन्होंने एक भाषण में कहा कि हर मुसलमान को आतंकवादी हो जाना चाहिए अगर वह आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है। इस टिप्पणी पर काफी विवाद हुआ और ब्रिटेन सरकार ने उन्हें अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया। नायक ने कई बार अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने 9/11 हमले को अमेरिकी सरकार की अंदरूनी साजिश बताया और इसे एक अंदरूनी काम कहा। उसके इस दृष्टिकोण को अमेरिकी सरकार ने घृणास्पद कहा और इसके चलते उसे कई देशों में प्रवेश से मना कर दिया गया। साल 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम देशों का दौरा किया तो नायक ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन बाद में मोदी सरकार को मुस्लिमों के लिए खतरा बताते हुए उनकी आलोचना की। उसने दावा किया कि उसे भारत वापस लाने के लिए सरकार ने उनसे जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने के समर्थन में बोलने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने कहा कि मोदी और भाजपा उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बना रहे हैं और जब तक मोदी सत्ता में है वो भारत नहीं लौटेंगे। मलेशिया में उनके भाषणों से भी कई विवाद खड़े हुए जब उसने कहा कि भारतीय और चीनी लोग मलेशिया में मेहमान हैं जबकि मुसलमान वहां के असली निवासी हैं। इस बयान ने मलेशिया में भारी रिएक्शन उत्पन्न किया और कई राज्यों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने भी उसके बयान को लेकर चिंता जताई और कहा कि अगर नायक मलेशिया के लिए हानिकारक साबित होते हैं तो उनकी स्थायी नागरिकता भी वापस ली जा सकती है। जाकिर नायक भारत सरकार की ओर से भगोड़ा घोषित है। 2016 में नायक भारत से फरार हो गया था और भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करने की कोशिश की, लेकिन पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण यह असफल रहा। इंटरपोल यानी द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकिर नायक ने खुद को भारतीय NRI बताया। 18 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने नायक का पासपोर्ट रद्द कर दिया जो NIA की सिफारिश पर हुआ। 28 जुलाई 2017 को NIA ने
नाइक को अपराधी घोषित कर उनकी संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जुलाई 2019 में इंटरपोल ने फिर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से मना कर दिया। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है अरेस्ट वारंट, जो किसी सरकार द्वारा इंटरपोल से रिक्वेस्ट किया जाता है। नाइक फिलहाल मलेशिया में रहता है, जहां उसे स्थायी निवास मिला हुआ है। दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने इंटरपोल से फिर से अनुरोध किया, लेकिन नाइक ने कहा कि ये वही पुराने आरोप हैं। इसके बाद 13 मई 2020 को भारत सरकार ने मलेशिया से नाइक को वापस भेजने की औपचारिक मांग की, जिसे मलेशिया ने खारिज कर दी। 2021 में इंटरपोल ने भारत की रेड नोटिस की मांग को फिर से ठुकरा दिया और फिर कहा कि नाइक द्वारा धार्मिक शिक्षा से कमाया और खर्च किया गया पैसा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। नाइक की वेबसाइट का दावा है कि उसका जो रिसर्च फाउंडेशन है और उसका जो टीवी है पीस टीवी, पूरी मानवता के लिए सत्य, न्याय, नैतिकता, सद्भाव और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देते हैं। हालांकि भारतीय सरकार ने 2012 में पीस टीवी चैनल को प्रतिबंधित कर दिया था। बाद में हालांकि ये कोर्ट के आदेश के बाद में उठा भी लिया था। भारतीय सैटेलाइट प्रोवाइडर्स ने उनके चैनल को प्रसारित करने से भी मना कर दिया। हालांकि अगस्त 2019 तक पीस टीवी का जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था और उसे 100,000 से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2020 में जाकिर नाइक द्वारा मोदी और अमित शाह पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा सरकार उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। भारत में कुछ मुस्लिम विद्वानों ने भी नाइक की आलोचना की है। बरेली के वरिष्ठ मौलवी असद रजा खान, शिया मौलवी कल्बे जवाद नकवी और पश्चिम बंगाल के शाही इमाम नूर उर रहमान बरकती ने नाइक के विचारों को गलत और भ्रामक बताया है। 2007 में दारुल उलूम देवबंद ने नाइक के खिलाफ कई फतवे जारी किए। हालांकि 2016 में दारुल उलूम के उपकुलपति अब्दुल खालिक मद्रासी ने कहा कि नाइक एक इस्लामी विद्वान है और उन्हें आतंकवाद से जोड़ना गलत है। 2016 में बांग्लादेश के ढाका हमले के बाद यह आरोप लगा कि एक आतंकी नाइक के भाषणों से प्रभावित था। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने पीस टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में आईएसआईएस से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के दौरान ये पता चला और ये सच सामने आया कि वे जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित थे और शरिया कानून स्थापित करना चाहते थे। नाइक ने स्वीकार किया कि 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों में शामिल रहील शेख उनके संगठन में स्वयंसेवक रूप में काम करता था, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से वो नहीं जानता था। इस बम विस्फोट में लगभग 200 लोग मारे गए थे। 2019 के श्रीलंका के ईस्टर बम विस्फोटों के बाद नाइक पर आरोप लगाए गए कि हमलावर उनके भाषणों से प्रेरित थे। इसके बाद श्रीलंका में पीस टीवी का प्रसारण बंद कर दिया गया। खुशवंत सिंह ने भी नाइक की आलोचना करते हुए कहा है कि उनके विचार अपरिपक्व, गुमराह करने वाले हैं और उनके तर्क कॉलेज डिबेट के स्तर से ऊपर नहीं उठते हैं। नाइक धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए मृत्युदंड का समर्थन करता है और गैर मुस्लिम पूजा स्थलों के निर्माण का विरोध करता है। लेकिन इन दिनों जाकिर नाइक 30 सितंबर से पाकिस्तान में एक महीने के दौरे पर है। इस दौरान उसने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में कई व्याख्यान दिए हैं, जिसमें कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, ये तमाम शहर शामिल है। लाहौर की ऐतिहासिक बादशाही मस्जिद में उसने 1.5 लाख से अधिक लोगों को संबोधित किया है। लाहौर पुलिस ने जाकिर नाइक के इस कार्यक्रम के लिए 1500 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की थी। हाल ही में जाकिर नाइक ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। इसके अलावा वो वहां अपने विचित्र बयानों की वजह से सुर्खियों में आ रहा है। कभी वो लड़कियों को ही रेप का कारण बता रहा है तो कभी महिला एंकरों पर अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है। जाकिर नाइक का ये दौरा 1992 के बाद से पाकिस्तान में उसकी पहली वापसी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की यात्रा भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, साथ ही पाकिस्तान में भी सांप्रदायिक तनाव को हवा दे सकती है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनके माध्यम से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं अगर आपको कंटेंट आगे भी देखना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।